वानखेड़े का मैदान, भारत और श्रीलंका के बीच मैच और वह एमएस धोनी का ऐतिहासिक सिक्सर। जी हां दोस्तों, यहां हम बात कर रहे हैं आईसीसी वनडे विश्व कप 2011 के फाइनल मुकाबले की, जिसमें टीम इंडिया ने श्रीलंका को हराकर भारतीय क्रिकेट में पड़ा 28 साल का सूखा खत्म किया था। वह दिन था दोस्तों 2 अप्रैल 2011 का, जहाँ भारतीय टीम ने 28 साल बाद महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में इतिहास रचा था। तो आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक और महा मुकाबले के बारे में कंप्लीट जानकारी, आखिर भारत ने कैसे जीता था महा मुकाबला। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूले। या दोस्तों, भारतीय टीम की शानदार जीत का गवाह है मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम। वहां बैठे सभी लोग तथा 121 करोड़ देशवासियों के दिन रात देखे जाने वाला सपना था। फाइनल मैच की बात करें तो जहीर खान, गौतम गंभीर और महेंद्र सिंह धोनी उसके हीरो रहे थे। जहीर ने गेंदबाजी तो धोनी और गंभीर ने बल्लेबाजी से फाइनल मैच में जीत पक्की की थी। जी हां दोस्तों, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हम बात करते हैं दोस्तों ठीक वहीं सीरीज की बात करें तो युवराज सिंह इस सीरीज के हीरो रहे थे। विराट कोहली ने इस इवेंट में ही अपने वनडे इंटरनेशनल करियर की पहली सेंचुरी लगाई थी। फाइनल मैच में धोनी का वह छक्का शायद ही कोई क्रिकेट प्रेमी भूल पाए। जब भारत को जीत के लिए 11 गेंदों में 4 रनों की जरूरत थी, तब धोनी ने सिक्स लगाकर विश्व कप को भारत के नाम कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीट जानकारी अभी भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। दोस्तों आपको बता दें कि वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल में श्रीलंका ने 274 रन बनाए थे। इसके जवाब में जब आपने बताया कि महिला जयवर्धने के 103 रन शामिल थे 274 रनों में, और जवाब में दोस्तों भारतीय टीम की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं थी और मात्र 31 रनों पर ही 2 विकेट खो दिए थे। वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर पवेलियन लौट चुके थे। गौतम गंभीर और विराट कोहली ने 3rd विकेट के लिए 83 रनों की साझेदारी की। इसके बाद 22वें ओवर में कोहली भी चलते बने और शिकार हो गए, इसलिए पवेलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों मैदान पर एक बार फिर से सन्नाटा छा गया था। 121 करोड़ लोगों का सपना एक बार फिर से अधूरा ही रहने वाला था। लेकिन दोस्तों एक बार फिर आप सभी को बता दे, वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी रोचक और ऐतिहासिक जानकारी केवल आपको यहीं मिलने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों 4th विकेट के लिए आए महेंद्र सिंह धोनी ने गंभीर के साथ मिलकर 109 रनों की जबरदस्त, लाजवाब और ऐतिहासिक रचने वाली साझेदारी की। ठीक वहीं गंभीर अपना पूरा काम तमाम करके और अपनी जिम्मेदारियों पर खरा उतरकर 97 रन बनाकर आउट हो गए थे। ऐसे में मैच पूरा का पूरा भारत के पक्ष में आ चुका था। इसके बाद दोस्तों धोनी ने यूवी के साथ मोर्चा संभाला और नाबाद 54 रनों की साझेदारी करते हुए भारत को विश्व विजेता बना दिया। जी हाँ दोस्तों, धोनी ने 79 गेंदों पर 8 चौके और 2 हेलीकॉप्टर सिक्स की मदद से 91 रन बनाकर नाबाद लौटे और अपनी कप्तानी पारी का मोर्चा भी संभाला और दोस्तों इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखा दिया। दोस्तों भारतीय टीम 28 वर्षों के बाद वनडे चैंपियन बनी थी और फैंस जश्न में डूब गए थे। सचिन तेंदुलकर का विश्व विजेता बनने का सपना पूरा हो चुका था। टीम ने मास्टर ब्लास्टर को कंधों पर बिठाकर स्टेडियम का चक्कर भी लगाया। क्रिकेट के साथ साथ दोस्तों खेल प्रेमियों की आंखों में भी उस दिन सुखी के आंसू थे। सचिन तेंदुलकर को सम्मान देते हुए दोस्तों जब टीम ने उन्हें कंधों पर उठाकर पूरे मैदान में घुमाया तो वह सबको रोमांचित कर देने वाला पल था। तो दोस्तों इस तरह से भारतीय टीम ने 2011 का वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। क्या एक बार फिर से भारतीय टीम इसी तरह से रोहित शर्मा की कप्तानी में इतिहास रच पाएगी? क्या महेंद्र सिंह धोनी की तरह रोहित शर्मा भी एक बार फिर से इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखवा पाएंगे? जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा, क्योंकि अब है वनडे विश्व कप 2023 की बारी। ऐसे में दोस्तों अब कंधों पर जिम्मेदारी होने वाली है भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा पर। और ऐसे में दोस्तों मैं जानना चाहता हूँ कि क्या रोहित शर्मा इस बार वनडे विश्व कप भारतीय टीम को दिला पाएंगे? ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।